जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन रेलवे इसके बाद जो वंदे भारत लॉन्च करने वाली है तो कहां कहां और किस किस जगहों पर वो वंदे भारत चलने वाली है और कौन कौन से जगह को इंडियन रेलवे टारगेट किया है, आगे कहां कहां पे ये वंदे भारत चलाया जाएगा, इसमें क्या इंडियन रेलवे को क्या फायदा होने वाला है और जो सफ़र करने वाले हैं यानी कि पैसेंजर है उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, इस पर एक विशेष वीडियो है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश में अभी तक सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर लोगों को खूब अच्छा लग रहा है, इसलिए कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हमारे देश की स्वदेशी एक ट्रेन जो इस समय चल रही है। भारतीय रेलवे तेजी से अलग अलग रूटों पर इसको चलाने की तैयारी कर रही है और कुछ अभी चल भी रही है। रेल मंत्रालय इस साल 15 अगस्त तक देश में लोकप्रिय तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली 75 से 78 वंदे भारत ट्रेन परिचालन की योजना पर काम कर रही है, जिसमें पहले से शुरू की गई 16 ट्रेनें भी शामिल हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने रेलवे के एक अधिकारी का कहना है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 15 अगस्त 2023 तक अधिकांश पर्यटकों और तीर्थ स्थलों को वंदे भारत ट्रेन से इंडियन रेलवे जोड़ना चाहती है। पीएम मोदी और रेल मंत्री दोनों को ही ये लक्ष्य है कि जल्द से जल्द प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए। इससे फायदा क्या होगा कि इंडियन रेलवे को अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट होगा और जो तीर्थ यात्री हैं या घूमने जा रहे हैं उनको अच्छी ट्रेन की सुविधा इंडियन रेलवे प्रदान कर। दक्षिण भारत के राज्यों को 2024 से पहले और वंदे भारत ट्रेन मिलने की संभावना है जो तीर्थ व्यापार और पर्यटन स्थलों को राज्यों की राजधानी से जोड़ेगी। फिलहाल देश में 16 वंदे भारत ट्रेनें अलग अलग रूटों पर इंडियन रेलवे चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद कई और ट्रेनें वंदे भारत रूट पर चलाई जा चुकी है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फरवरी 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किए जाने के बाद यह ट्रेनें 100% पैसेंजर एक्यूपेंसी के साथ चल रही है। रेलवे अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन ने 92,29 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड कमाई दर्ज की है। सरकार ने अगले कुछ ही वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई का अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया कि 400 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की गई है। कमाई से उत्साहित रेलवे 2024-25 तक वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन को भी रोल आउट करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि इस पर काम अभी फिलहाल चल रहा है और बहुत जल्द यानी कि 2024 में इसे इंडियन रेलवे लॉन्च करने की पूरी तैयारी में। एक अनुमान के अनुसार वंदे भारत ट्रेन सेवाओं से हर महीने 15 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें छात्र, व्यापारी और पेशेवर जो कि रोज सफर करने वाले हैं प्रमुख रूटों पर वंदे भारत की सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें नई दिल्ली, वाराणसी, नागपुर, बिलासपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, सिकंदराबाद, तिरुपति और मुंबई, गांधीनगर और हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी और भी ट्रेनें इसमें शामिल है। तो दोस्तों इंडियन रेलवे का ये प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है कि वो सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को वंदे भारत ट्रेन से जुड़ रही है, ताकि इंडियन रेलवे के रिवेन्यू में भी इजाफा हो, बढ़े और जो यात्री तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं उसे वंदे भारत का सफर का भी वो मजा ले सके। तो ये इंडियन रेलवे का एक मास्टर प्लान है जिस पर इंडियन रेलवे काम कर रही है और इंडियन रेलवे इसमें सफलता भी प्राप्त कर रही है। कई तीर्थ स्थलों पर इंडियन रेलवे ने चलाया है वंदे भारत, जिससे अच्छा खासा
रिवेन्यू जनरेट इंडियन रेलवे को हो रहा है और लोगों को एक नई ट्रेन वंदे भारत में सफर करने का मौका भी मिलता है। तो आगे भी इंडियन रेलवे इसी पर फोकस कर रही है। आगे बहुत से तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो अभी बाकी है, जिसे इंडियन रेलवे बहुत जल्द वंदे भारत से जोड़ दे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।